Hello everyone, this is Kaushal and I welcome you to Modulation CUET. Guys, today I will discuss about the trigonometric functions and उसकी identities के बारे में हम लोग जानेंगे, that is part 4 होने वाला आज का, ठीक है? जिन लोगों ने अभी तक part 1, part 2 और part 3 नहीं देखा, please उनको देख लीजिए. Hopefully आपकी जो trigonometry को लेकर जो fear है, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है? पिछले जो लेक्चर थी उसमें एंगल्स को रिलेटेड मैंने एक या दो क्वेश्चंस कम करवाए थे, कह लो मतलब एंगल रिलेटेड है ना, कुछ और बहुत बेहतरीन सवाल वहाँ करवाए हैं, तो मैंने इस वाले पार्ट में मैंने उस चीज़ को डाल दिया, ठीक है? जहाँ पे हम लोग एक दो क्वेश्चंस उसके भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? सो ओवरऑल ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक क्या हो जाएगा, आपके लिए पैकेज हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है? जहाँ से आप आराम से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ के, ठीक है, अच्छे से उसको क्या करना है, डाइजेस्ट करना है और बहुत सारे सवाल बनाने हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं कि सवालों का यहाँ एंड हो जाता, ठीक? आप क्या करोगे, और भी क्वेश्चंस को बनाओगे ताकि कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता रहे, ठीक है? ये मत समझना कि बस कहीं से पढ़ लिया और जीवन भर याद रहेगा. आपको क्या करता रहना पड़ेगा, हमेशा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? मैथ्स को लेकर बहुत ज़रूरी बात ये है. चलो सो हम लोग यहाँ पे आराम से समझते हैं, ठीक? कॉपी पेन लेके ही करना है, अदरवाइज चीज़ों को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? चलो सो सबसे पहली बात हम आज समझेंगे थोड़ा क्वाड्रेंट्स के बारे में, ठीक है? क्वाड्रेंट्स के बारे में और कुछ रिलेटेड उससे इंटरेस्टिंग चीज़ें भी, ठीक है? इट इज़ क्वाड्रेंट्स, ठीक? चलो क्वाड्रेंट्स क्या होती है? क्वाड्रेंट्स बेसिकली क्या होती है, जब दो एक्सेसेस, दैट इज एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, एक्सेस कह रहा हूँ क्योंकि एक्सेस नहीं, एक्सेस, दो एक्सेस होती है ना, एक्स एक्सेसेस एंड वाई एक्सेसेस क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा जिसको हम ओरिजिन कहेंगे और वो चार भागों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो बिना किसी देरी के इस बात को देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है? चलो यहाँ पे एरो देना ज़रूरी है क्योंकि एक लाइन है ये, है ना? ये एंड नहीं होती, टर्मिनेट नहीं होती. ये सारी छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए. इसको हम कहते हैं एक्स एक्सेस, इसको हम कहते हैं वाई एक्सेस. ये हमारा ओरिजिन है जहाँ पे इन्होंने मीट करा. ये एक्स मतलब माइनस में जो सब्जेक्ट वो होती है उसको, लेकिन एक्स डैश से डिनोट करेंगे इसे और इसे वाई डैश से डिनोट कर देंगे, ठीक है? चलो ये सारी बातें हो गई, क्या हमारी बेसिक सी बातें. अब जो ये कट कर रहे हैं ना इस पॉइंट पे, ये ओरिजिन है बेसिकली, ये ओरिजिन है, इसको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है? और कोऑर्डिनेट में इसकी कोऑर्डिनेट कितनी होती है, 0,0, ठीक है? यानी यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होती है. हम लोकेट करते हैं जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसकी कोऑर्डिनेट्स को कहाँ पे, स्पेस में, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ पे एंगल के फॉर्म में अगर हम देखें तो ये 0 degree है, यहाँ से स्टार्ट हो गई चीज़ें और ऊपर जाते जाते ये 90 degree बन जाएगी, है ना? दिख रहा है आपको, ये 90 degree भी है, बहुत अच्छा. तो हर क्वाड्रेंट की एक स्पेशलिटी ये है कि 90 degree कवर करती है, दैट इज ये 90 degree, फिर नेक्स्ट ये 90 degree, फिर ये 90 degree एंड ये 90 degree, बहुत अच्छे. तो 90 degree अगर कवर कर रही है तो सर बता दो कितने एंगल कवर करा इसने, दैट इज 90 degree प्लस 90 degree 180 degree, और इधर भी 180 degree, दैट इज 360 degree, बहुत अच्छे. सो ओवरऑल 360 degree का ये पूरा का पूरा साइकिल होता है, ठीक है? चलो तो ये 0 to 90, 90 से 180, ये 270 degree, और 0 degree के बगल में आप क्या लिख सकते हो, 360 degree भी लिख सकते हो, ठीक है? है ना, पूरा घूम कर भी अगर हम आ जाएं इस पॉइंट के अबाउट तो क्या हो जाएगी, 360 degree बन जाएगी. चलो और कुछ बेसिक्स बात है, बेसिक सी बात ये है कि इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है? क्वाड्रेंट वन, ठीक है, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्वाड्रेंट वन, ठीक है? चलो क्वाड्रेंट वन, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट टू, ठीक? ये कौन सी क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट थ्री, और ये कौन सी क्वाड्रेंट है, दैट इज क्वाड्रेंट फोर, बहुत अच्छे. सो 0 to 90 degree के बीच जो एंगल कहलाती है वो कहलाती है एक्यूट एंगल, है ना? अगर आपने मैथ्स में थोड़े बहुत एंगल्स को ध्यान से याद रखा होगा तो वहाँ पे आप देखोगे 0 से लेके 90 degree के बीच में जो भी एंगल फॉल करता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, और एक्यूट एंगल में हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं. दैट इज़ अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि सर अगर आपने पार्ट थ्री देखा था तो क्या कोई भी वैल्यू नेगेटिव देखी थी, नहीं देखी थी, क्योंकि सारे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थे, 0 से लेके 90 के बीच ही लाई कर रहे थे,
क्लियर ये चीजें? चलो वहां पे मैंने आपको एक और बात बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज साइन थीटा एंड टैन थीटा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसकी वैल्यू बढ़ रही थी। कॉस थीटा का क्या हो रहा था? डिक्रीजिंग फंक्शन, दैट इज वन से स्टार्ट होके वो जीरो की तरफ चला गया। साइन थीटा का क्या हुआ था? जीरो से स्टार्ट होके वो वन की तरफ गया था। टैन थीटा जीरो से स्टार्ट होकर अनडिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड की तरफ मूव हुआ था, यानी बहुत बड़ी वैल्यू थी, है ना, जो हमें नहीं पता। चलो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सी बात ये जानेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सो ऑल दी फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है, आपको समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात हो रही है क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस बहुत तरह के होते हैं, दैट इज एल्जेब्रिक फंक्शंस भी होते हैं, बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, ये बहुत अंडरस्टूड है। सो ऑल दी फंक्शंस आर पॉजिटिव, यानी सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगे, दैट इज टैन कह लो, कॉट कह लो, कॉस कह लो, ठीक है, कोसेक कह लो, सेक कर लो, सब कोई क्या होना है यहाँ पे? पॉजिटिव होना है। बट सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जैसे मैं लिखा रहा हूँ, इन सबको अच्छे से नोट डाउन कर लो आप। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन से होते हैं, बस उसके बारे में लिख रहा हूँ मैं, दैट इज साइन थीटा पॉजिटिव होता है एंड साइन का जस्ट ऑपोजिट क्या होती थी, दैट इज कोसेक। सो कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव हो गए, कोसेक थीटा, यही दोनों पॉजिटिव रहेगी, बाकी सारी की सारी जो भी आप फंक्शन निकालोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अच्छा सर एग्जाम्पल दे दो। हाँ एग्जाम्पल इसका ये है कि सपोज कॉस 120 डिग्री है, कॉस 120 डिग्री है यानी 90 से ऊपर 180 के बीच, यानी यहीं पे कहीं फॉल करेगी, दैट इज फॉर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, व्हाट विल हैपन, कॉस 120 डिग्री विल गिव अ नेगेटिव वैल्यू। व्हाई? बिकॉज ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा विल रिमेन पॉजिटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ट्रू, एंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी नेगेटिव इन नेचर, ट्रू। सिमिलरली व्हाट विल हैपन फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट, क्या होना है? Only tan theta and cot theta will give you the positive values. Otherwise, sin theta, cosec theta, right? Sec theta and cos theta will give you the negative value. Why? क्योंकि हमारे जो पूरे पूरे functions हैं यहाँ पे इस तरह से ही design हुए हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि सिर्फ tan और cot क्या करेगा, third quadrant में जो भी angle है उसकी value positive देता है, right? देखो tan theta and cot theta, ये याद रखने के ज़्यादा झमेला नहीं है, क्योंकि सिर्फ साइन थीटा अगर आपको याद हो गया तो साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कॉस थीटा, कोसेक थीटा होता है, वो भी पॉजिटिव होगा। मैं कह दूँ अगर 1/5 है कोई वैल्यू तो उसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 5/1, पॉजिटिव है ना ये तो, राइट? तो अपने आप ही पॉजिटिव आएगी, दैट इज साइन ध्यान रखना है, तो साइन का उल्टा कोसेक भी पॉजिटिव होगा। 10 अगर याद रख लोगे आप यहाँ से, तो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, ये भी क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगी, राइट? एंड फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस थीटा and the sec theta will give you the positive value, true, यही सिर्फ positive value होती है। चलो इसको brief कर लेते हैं फिर से, थोड़ा समझ लेते हैं कैसे। In the first quadrant, all the trigonometric function will give you the positive value, सारे के सारे आपको positive value देंगे, clear? Second quadrant में sin theta and cosec theta ये आपको positive value देंगे, बाकी सारे negative कर देंगे, ठीक? थर्ड क्वार्टर में यानी 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच जो कुछ भी आप देखोगे, अगर टैन एंड कॉट में आप निकाल रहे हो, जितने भी एंगल निकाल रहे हो, दैट इज 240 डिग्री, मैं कह दूँ टैन 240 डिग्री, जो भी इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू देगा मुझे, ठीक है। कॉट अगर मैं कह दूँ 210 डिग्री, 210 डिग्री, तो कॉट 210 डिग्री भी हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। चलो एंड फाइनली ये क्या है, आपसे ये सारी चीज़ें नहीं पूछा जाएगा, पूछा ये नहीं जाएगा कि कॉट 210 डिग्री की वैल्यू बता दो, क्यों? क्योंकि ये सब 11th एंड 12th में पार्ट में है, दैट इज 11th के पार्ट में है, और सिलेबस में आपको 10th तक ही पूछा जाएगा मैथ्स। क्यों? क्योंकि CUT वाले को ये बात पता है कि जो ह्यूमैनिटीज लेके बैठा हुआ है, जिसने भी कॉमर्स ले लिया है, वो मैथ्स तो पढ़ेगा ही नहीं 11th में, है ना, तो वो बिल्कुल ही नहीं आएगा, ये निश्चिंत रहना। कहीं पर अगर आप देख लोगे कि सर वहाँ पे 240 डिग्री की वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं, तो सीखने दो, है ना, वो आपके पेपर में नहीं आना है, ठीक है, क्लियर कर दूँ मैं आपको, ठीक है। कॉस एंड सेक थीटा क्या होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, होपफुली बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यानी कॉस अगर मैं निकालूँ 310 डिग्री, कॉस 310 डिग्री यानी 270 और 360 के बीच है ना, 310, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी कॉस के फॉर्म में, पॉजिटिव, और साइन का निकाल दूँ तो नेगेटिव, कॉट का निकाल दूँ तो नेगेटिव, टेन का निकाल दूँ तो नेगेटिव। यानी बेसिक सी बात यह है कि कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव वैल्यू देगी, अदरवाइज सारे नेगेटिव देगी। क्लियर है ये चीज़? अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करके अच्छे से आप इसको रख लो।
ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपके एग्जाम्स में बहुत अलग अलग तरह से घुमा के पूछा जाएगा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो आपको बस अभी फिलहाल के लिए तीन ही पढ़ने हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको प्रूफ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे हम प्रूफ कर करके उस चीज़ में समय बर्बाद करने नहीं जाएंगे, राइट। क्यों? क्योंकि उसका प्रूफ कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो रिजल्ट्स की तरफ सीधा सीधा हम लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं, और पहला जो है रिजल्ट वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट विल गिव यू 1, ठीक। नेक्स्ट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इट विल गिव यू 1, एंड थर्ड इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इट विल गिव यू 1, ठीक है। ये तीनों आपको बिल्कुल ब्रह्मास्त्र के तरह काम आएगा, ठीक है। एग्जाम में अगर ट्रिग्नोमेट्री से कुछ डिफिकल्ट सवाल आएंगे तो यहीं से घुमा फिरा कर आएंगे, ठीक। इस चीज़ को थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करके एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है। क्या हम इस वाले आइडेंटिटीज़ को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, देखते करके, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अगर अलग तरीके से आ जाएगा आप सोचोगे ये तो सर पढ़ा नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये करवा दे रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं उधर लेके चला जाऊँ तो क्या ऐसा होगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले से क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा, सोच के बताओ आप। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दिया, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले गया, तो क्या होना है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रू। इसी को और थोड़ा हम अगर चाहे मॉडिफाई करना तो क्या होगा, ये सोच के देखो आप, कॉस स्क्वायर थीटा को हम इंटैक्ट छोड़ देंगे, साइन स्क्वायर थीटा को लेके जाएंगे, तो व्हाट विल हैपन, हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्यों बताया मैंने, ये इसलिए बताया कि एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये बिल्कुल हलवा सा नहीं कर दिया जाएगा, राइट, कि ये लो और बस एग्जाम में क्वेश्चन सारे बनाकर आप कर लो। हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा सा वो ट्विस्ट कर दें, ट्विस्ट मतलब यही होता है कि यहाँ पे आपसे ये देखना चाह रहे हैं कि आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस में सक्षम हो या नहीं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस यही है, दैट इज हमने एक बार कॉस को उधर रख दिया तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा को निकालने के लिए साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले गए, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस में है। सिमिलरली अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ क्या हो सकता है, क्या हम सेक स्क्वायर थीटा को ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। हमने क्या किया, 10 को उस तरफ लेके चले गए हम, राइट, व्हाट वी डिड, हमने 10 थीटा को, 10 स्क्वायर थीटा को उधर लेकर सुपर इम्पोज कर दिया, रख दिया। ये माइनस है, इधर अब जाएगा तो क्या होगा, इस तरफ जाने पे पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज क्या ये ऐसा लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ट्रू। तो ये सारा क्या है, आपको ये सारी बातें भी ध्यान रखनी है और इसको अच्छे से नोट डाउन आप कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। और इसमें हम लोग बस यही दोनों चीज़ें करते हैं, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि इसको 1 लेके आ जाएं और कर दे, कर सकते हैं, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा को भी इधर ले जाओगे तो क्या जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा और इधर ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पोजिशन आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जहाँ से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। चलो टेन अल्फा इज इक्वल टू √3, टेन बीटा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि भाई अल्फा एंड बीटा जो है ना वो 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, 90 डिग्री के बीच में, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा प्लस बीटा। एक बात बताओ, जब तक अल्फा नहीं पता, जब तक बीटा नहीं पता, हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कॉट के टर्म में कैसे निकाल देंगे, नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालते हैं, देखो, ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू √3, ठीक है। सो tan अल्फा इज इक्वल टू √3 को फिर से हम क्या करेंगे, tan के फॉर्म में लिखते हैं, tan 60 डिग्री है ये, ठीक है। सो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, चलो अल्फा हमारा यहाँ से आ गया, बहुत ही सरल था, बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक। tan बीटा क्या दिया हुआ मेरे पास, 1/√3, लिखते हैं इसको भी, tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। tan बीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, बीटा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है, बीटा क्या आया मेरे पास, 30 डिग्री आ गया,
राइट. सो मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, अल्फा 60 डिग्री, बीटा 30 डिग्री, ठीक. और मेरे से पूछा क्या है यहाँ पे, कॉट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है. तो ये क्या हम निकालेंगे, दैट इज, ठीक है, ये क्या हम निकाल सकते हैं आराम से, दैट इज, ये देखो कॉट 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है भाई. तो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है ना, कॉट 90 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है. अब आप बताओ एक बार कि कॉट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, टेन 90 क्या होता था, नॉट डिफाइंड, ठीक है. तो कॉट 90 डिग्री पे क्या होने वाला है, 0 डिग्री हो जाएगा. क्यों, क्योंकि टेन 0 पे 0 होता था, मैंने बताया था आपको, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो जो 0 पे होगा वो 90 पे, जो 30 पे होगा वो 60 पे, इस तरह का कॉन्सेप्ट, राइट. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 एंड इट इज़ द राइट आंसर. सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है. और आपको इस तरह से ऑप्शन में देंगे 0, 1, 2, 3 ऐसे करके क्वेश्चन में आ जाएगा पेपर में, ठीक है. चलो बहुत सिंपल सा सवाल था, अल्फा बीटा अलग अलग से निकालते हैं और फिर अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करके क्या करने वाले हैं, हम पूरी की पूरी वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ठीक है. मुझे बिल्कुल यकीन है कि बहुत सारे बच्चे इसको बना भी देंगे जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, जिन्होंने मैथ्स लिया होगा, राइट. बट वो वाले बच्चे जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया था बहुत स्ट्रगल करेंगे यहाँ पे. सिमिलरली जो जिन्होंने ह्यूमैनिटीज ली थी उनका अच्छा परफॉर्मेंस होगा इन टोटल, लाइक जैसे जनरल टेस्ट में हम जीके वगैरह देखते हैं, ठीक है, या फिर हिस्ट्री एंड पॉलिटी वाली बातें करते हैं, ठीक. तो उनका एडवांटेज यहाँ होगा, बट इसको सॉल्व करना बहुत आसान भी है और बहुत थोड़ा ट्रिकी भी है अगर आपको नहीं आता तो. हमें करना क्या है, पहले ये वाला डेटा हमें गिवन है और हमसे पूछ ये रहा है, ठीक है. तो हमारे पास जो है पहले वो लिखते हैं सॉल्यूशन में, देखते हैं. हमें दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. कॉस थीटा को हम उस तरफ लेके चले जाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना. माइनस को अगर उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक. एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ मैं, साइन का कौन सा ऐसा एंगल है जिसपे कॉस का भी एंगल का वैल्यू सेम है. आप बोलोगे सर साइन 45 डिग्री ऐसा एक वैल्यू है जिसपे हमें सेम वैल्यू मिल जाती है, दैट इज साइन 45 भी क्या है, 1/√2 है, एंड कॉस 45 भी 1/√2 है, ट्रू है ये. तो हमें पता चल गया थीटा क्या होगा, 45 डिग्री होगा. लेकिन हम लोग ऐसे नहीं निकालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, इस कॉस को आप क्या करो यहाँ पे डिवाइड कर दो, राइट. दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या दोनों साइड क्या करो आप कॉस से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस को डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया. इससे क्या पता चला, थीटा क्या है, टेन कब 1 होता है, टेन कब 1 होता है, जब थीटा उसकी 45 डिग्री होती है, यानी थीटा क्या हो गई 45 डिग्री, ठीक है. थीटा क्या हो गई 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री. चलो बहुत अच्छा, तो जब थीटा हमें पता चल गया 45 डिग्री है तो ये सॉल्व करना आसान हो गया, है ना, ये आसान हो गया. दैट इज थीटा क्या है मेरे पास, 45 डिग्री है, इसका हम यूज करने वाले हैं. साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, यही पूछा हमसे. चलो तो हम लिखते हैं यहां पे साइन टू द पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस टू द पावर 4 45 डिग्री, ठीक है सर. चलो आगे 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साइन की, 1/√2 टू द पावर 4 प्लस कॉस, सॉरी कॉस तो नहीं, मतलब सीधा इसकी वैल्यू पुट कर दो अब, है ना, वैल्यू लिखे हम लोग तो 1/√2 टू द पावर 4, ठीक है, टू द पावर 4. चलो अब एक बात सोचो आप, अगर हम इसका स्क्वायर करें, इसका अगर स्क्वायर कर दें ये क्या हो जाएगा 1/2, इसका एक बार और स्क्वायर कर दें 1/2 को तो क्या हो जाएगा ये 1/4. फिर से समझाता हूँ, ये बहुत सिंपल सी बात बताया मैंने. मान लो लिखा हुआ 1/√2 को हमने 4 से पावर देनी है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर का फिर से एक बार स्क्वायर, टू द पावर 4 ही हो गई है तो, है ना, टू द पावर 4 ही हो चुकी है ये तो, है ना. तो एक बार 1/√2 को अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1/4. यही बात मैंने यहाँ पे आपको बताई, ठीक है. सो 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 होता है. और आपसे अगर आंसर पूछ रहा था तो इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 1/2, ठीक है. फिर से आपको क्या किया जाएगा,
डेटा दिया जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा ए बी सी डी, वहाँ पे आपको देंगे 1/2, है ना, 2, ठीक है, 4 और 1, ऐसा कुछ ऑप्शन देंगे और आपको फाइंड आउट करके ये लिखना पड़ेगा। क्लियर है? बहुत ही आसान सा सवाल है ऐसे तो देखो तो, बट इसकी वैल्यू हमें इस तरह से निकालनी है। और यहाँ पहला स्टेप बहुत मैटर करता है, ये स्टेप बहुत मैटर करता है, ठीक है, ये, ठीक है, ये स्टेप सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप उस तरफ माइनस में ले जाओगे, पॉजिटिव बनाओगे और दोनों तरफ कॉस से डिवाइड करोगे, ठीक है। चलो ये बहुत सिंपल सी बात है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 7, फाइंड sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। इसको तो हम लोग डायरेक्टली मुंह से भी बना सकते हैं और बहुत आसान है, लेकिन इसको डालने का पर्पस ये है ताकि आप समझ जाओ कि किस तरह से हम लोग आइडेंटिटीज के अलग अलग फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, हमें गिवन ये है ना, ये तो गिवन है ना, ये गिवन है दोस्त, है ना। चलो तो हम पहले क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी कौन सा लगाएंगे, ठीक है, वी नो दैट, ये सब लिख के मत आना सीयूटी, ठीक है, एग्जाम के समय, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए, ये सब मत लिखना कि यू नो दैट, ऐसा सॉल्व मत करना, फटाफट करना है आपको। तो आपको क्या डालना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमें पता है आइडेंटिटी से, मैं सिखा रहा हूँ इसलिए आराम आराम से हम लोग ये सब कर रहे हैं, है ना। अदरवाइज क्वेश्चन बनाने के लिए हमें फटाफट करना पड़ेगा, ये लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आपको। सो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, हाँ। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एलजेब्रा में फंक्शन मतलब फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है, इसी का यूज़ करेंगे। हमने इसको क्या कर दिया, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। देखो आप sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या है, 7 गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है, गिवन 7 गिवन है ना, ये 7 ऑलरेडी पता है हमें, ठीक है। तो 7 इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। क्या लिखेंगे आराम से हम लोग, यहाँ पे देखो 7 इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, और क्या आ गया मेरे पास sec थीटा और माइनस tan थीटा 1/7, ठीक है, वही हमसे पूछा भी था, हम क्या लिखेंगे 1/7, ठीक है, और यही हमारा आंसर आएगा, 1/7 इज द राइट आंसर, ठीक। सिंपल सा सवाल है, बस आपने आपको ये सीखना था कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करेंगे, यूसेज कैसे करना है आइडेंटिटी का, बस यही समझना है, ठीक है, बहुत सिंपल से बात है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो बेसिकली हमारा क्या था, फॉर्मूला था, इसका हमने यूज़ किया, ठीक है, ये एलजेब्रा का, ठीक है, एलजेब्रा का भी बेसिक्स का कुछ वीडियो है, वो सब भी आएगा जल्दी जल्दी, और आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। चलो ना, तो कोई डाउट होपफुली नहीं होगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछले बार लेक्चर में, लेक्चर जो 3 था हमारा, उसमें हमने नए कुछ एंगल बेसिस वाले जो क्वेश्चन थे कम दिए थे, बट देखो बहुत साधारण साधारण से क्वेश्चन है, ठीक है। इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा और पटांग आ जाएंगे, बस इसका कुछ और लेवल नहीं रहता, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है तो क्या आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग इसका, ठीक है, क्या है सॉल्यूशन, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो 2 sec स्क्वायर थीटा, sec 45 डिग्री, sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। sec स्क्वायर 45 डिग्री यानी cos का उल्टा, 45 पे cos क्या होता है, 1/√2, ये हो जाएगा √2, दैट इज 2 इंटू √2 का स्क्वायर प्लस, ये भी सेम है, sin 45 डिग्री 1/√2 होती है, ये √2 हो जाएगा, 3 इंटू √2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 2 इंटू √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, ठीक है दोस्त। चलो तो ये आंसर हो गया इसका 10, बहुत आसानी से निकल गया, और ऐसे हम लोग आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, आंसर भी है ना। इसी तरह से आपको फिर से मैं बता रहा हूँ क्या दिया जाएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा 5, 10, 20 एंड ऑल, आपको आराम से इसको सॉल्व करके बस बता देना है,
क्लियर है? ठीक है, चलो। इन सब में आपको बस ध्यान रखना है कि थोड़ा ये सारे जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से टैकल करना आप, ठीक है? जैसे साइन जो पावर 4 है और कॉस जो पावर 4 है, इन सब पे थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा निगाह बना के रखना, ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना आपको, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन, हरकुलियन क्वेश्चन, ठीक है? इसको आराम से धीरे धीरे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? देखो, सो बेसिकली आपसे क्या क्वेश्चन किया जाएगा, अगर आप पूछोगे सर सी यू टी में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन ये आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, दैट इज क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, राइट? कभी दे देगा पी स्क्वायर प्लस क्यू, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे और आपको यहाँ से टिक लगाना है। ये हो सकता है गिवन ना हो, ये गिवन ना हो, ये हमने प्रूफ में भी डाल दिया है, बट इसलिए डाला ताकि आप इसके वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे ये आपको देखना है, ठीक है? x की वैल्यू हमें पता है, y की हमें वैल्यू पता है, ठीक? अब देखो ध्यान से कि लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, लेफ्ट हैंड साइड, ये LHS है मेरा, है ना, LHS है मेरा, तो इसे हमको ध्यान रखना कि ये क्या हम यहाँ से निकालेंगे। तो हम करते क्या हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इसको स्क्वायर करके निकालते हैं, ठीक है? यानी मुझे देखो क्या क्या अवेलेबल है, ध्यान से देखो आप, x पता है मुझे और मुझे निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर निकालना है, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि ऐसा, क्योंकि हमें x दिया हुआ है बट यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो LHS को देखने के लिए हमने एक्स स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, जो भी ये x में गिवन है हमारा, क्लियर है? चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ sec theta into tan theta, ठीक है? चलो ये हमारे पास x square की वैल्यू आ गई, ठीक है? नेक्स्ट इज हमें y पता है लेकिन निकालना क्या है, y का स्क्वायर निकालना है, ठीक है? चलो निकालते y square, y का स्क्वायर जब निकालोगे आप तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज p tan theta plus q sec theta, ठीक है? ध्यान रखना थोड़ा इन सारे वैल्यूज पे, ठीक है? हम क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें करनी है और हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया, ठीक? अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं करते हुए, ठीक है? LHS जो भी हमारा है उसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? चलो तो एक्स स्क्वायर मेरे क्या आया, ये वाला वैल्यू आया मेरे पास, ठीक है? तो हम लिख लेते हैं इसको, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है? चलो और हमें माइनस क्या करना है, माइनस हमें करना है एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू, यानी ये वाले पार्ट हमें माइनस करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है? चलो अब एक बात सोचो, जब यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो जैसे हम इसको बाहर निकालेंगे, जैसे हम इसको बाहर निकालते हैं, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जितने प्लस वाले वो माइनस में हो जाएंगे कन्वर्ट, ठीक है? देखो ध्यान से आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जो भी ये वाले हैं, ये देखो ये माइनस है ना साइन, इस वजह से ये प्लस वाले क्या हो जाएंगे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से मैं अगर इस वाले चीज़ को हटा दूँ, दैट इज़ ये वाला हटा दूँ, ठीक है? तो अब सोच के देखो, ये प्लस में था, ये भी माइनस हो गया, ये भी प्लस में था, इसमें भी क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, ठीक है? पहले ब्रैकेट थी तो मैंने सिंपली ये लिख दिया, मैंने ब्रैकेट अगर हटाया, अगर बाद में हटाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये वाला भी माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट लाइन ना लिख कर मैंने यहीं पर सॉल्व किया इसको, ये प्लस में ये सारी चीज़ें और ये माइनस में कैंसिल हो गया, ठीक है? नेक्स्ट आप सोच के देखो, यहाँ पे पी स्क्वायर किसके पास है, इसके पास है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पी स्क्वायर, इन दोनों के पास कॉमन है,
ठीक है, इसके पास क्या था बचाओ, इसके पास क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों लिया भाई ये, क्योंकि पी स्क्वायर इन दोनों में कॉमन था, तो हमने इसको एक साथ रख दिया, रीग्रुपिंग करी है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस, इन दोनों के पास क्या है, देखो ध्यान से आप, इनके पास भी क्यू है, इसके पास भी क्यू स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं क्यू स्क्वायर को, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्यू स्क्वायर को कॉमन लिया हमने। यहाँ पे क्या आ गया, देखो आप ध्यान से, ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्त, चलो अब एक बात बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, जस्ट उल्टा है ना, क्योंकि आइडेंटिटी क्या कहती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, लेकिन यहाँ पे क्या है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर जैसे हम माइनस वाले टर्म को अगर उल्टा करें, इनको क्या करें, आगे कर दे, तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, हम देखते हैं करके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, ये पी स्क्वायर बन गया, ये तो वन ही आ गया है ना, ये आइडेंटिटी ये वन आ चुका है। ठीक है, माइनस ले सकते हैं क्यू स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में, ये भी आइडेंटिटी बन गई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, ये दिस वॉज द आवर लास्ट क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से आपको करना है, क्लियर है, चलो होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंप्लीट यहाँ पे वीडियो हो चुका है, दैट इज़ पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कुछ अगर लग रहा है कि कुछ छूटा हुआ सर, मुझे और कुछ जानना समझना है, तो आप प्लीज़ आराम से मुझे क्या कर सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में ये सारी बातें लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा गूगल फॉर्म है, उसे प्लीज़ फिल आउट कर दीजिए। ठीक है, और जो भी सजेशन हो वो फ्रीली आप दे सकते हो, और अच्छा लेक्चर लग रहा है अगर आपको, तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। सो थैंक यू सो मच and God bless you.